श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ब्रह्मंडशील जमात सौराष्ट्र गुजरात से उदयपुर नाथद्वारा के रास्ते होते हुए सोमवार को हरिशिवा आश्रम पहुंची। जमात का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। आश्रम के संत मायाराम व अन्य अनुयायी जमात के स्वागत के लिए पांसल चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वे ढोल नगाड़ों के साथ हरिशिवा आश्रम पहुंचे। आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत राजाराम, संत गोविंद राम, सचिव हेमंत वच्छानी, रमेश नेववानी, हेमंत उस्ताद पे आश्रम के बालक कुणाल, इंद्रदेव, सिद्धार्थ मिहिर सहित सभी ने हर्षोल्लास के साथ जमात का स्वागत किया। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने भगवान श्रीचंद महाराज की आरती पूजा की, तत्पश्चात हरिशिवा आश्रम के दरबार साहब में विराजमान किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि मंगलवार को वसंत पंचमी के पावन पर्व पर प्रातः 9:30 बजे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साथ ही माँ सरस्वती की पूजा अभिषेक के पश्चात शाम 4:30 बजे से गोला साहब की पूजा की जाएगी। इस भ्रमणशील जमात में महंत अद्वैतानंद उदासीन, कोठारी स्वामी रामदास उदासी, कोतवाल स्वामी, ध्यान मुनि उदासी, कारोबारी स्वामी राम मुनि उदासी, कारोबारी स्वामी पेशवनी दास उदासी, भंडारी वसंत दास उदासी, पुजारी केशव दास उदासी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सीता वाटिका पंचवटी नगर उदासीन आश्रम भटिंडा पंजाब के महंत गोपाल मुनि व संत कल्याण दास उदासी भी सम्मिलित हुए। श्री हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में हमारी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल यहाँ पधारा है। ये हमारा अपना आश्रम है, पंच के प्रति ये समर्पित आश्रम है। कभी भी किसी भी अवस्था में कोई ज़रूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती है, कभी भी हम लोग आ जाएं, चाहे किसी भी समय हम यहाँ, दरबार हमारा खुला हुआ है। तो आज हमारा मंडल यहाँ आया हुआ अपने आश्रम में। हम लोग पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते हुए अभी लगभग 12 वर्ष में एक पूरा चक्कर होता है। तो उसमें जितने भी अपने आश्रम पढ़ते हैं उदासीन परंपरा के, उन सब में हम लोग जा कर के ठहरते हैं, और वहाँ आश्रम से जो भी संबंधित जो भक्त हैं, संत हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ में चर्चा पर चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य रहता है या है वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार, मानवों में मानवता किस तरह से कायम रहे इसका भी हम लोग चर्चा करते हैं, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। हमारा भ्रमण अभी जो है गुजरात से होता हुआ यहाँ राजस्थान, आज हम भीलवाड़ा में पहुँचे हैं अपने स्वामी जी के सानिध्य में। कल यहाँ बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का उत्सव, सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ का अभिषेक हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे।